हेलो स्टूडेंट्स, हर घर बने पाठशाला प्रोग्राम में मैं विजेंद्र शर्मा, लेक्चरर आईपी। आज का हमारा इस वीडियो में जो कंसेप्ट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। जैसा आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर आज हमारी रूटीन लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है, और अगर हम देखें चाहे वो सोशल मीडिया हो जिसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग है, चाहे वो हमारी बैंकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज है, इन सभी एक्टिविटी में कंप्यूटर नेटवर्क का मेजर रोल है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क ही है, नेटवर्किंग ही है जिसके द्वारा ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर, इंडिविजुअल कंप्यूटर, उस पर इंडिविजुअल आदमी ही काम कर सकता है। लेकिन अगर हमें जो बेनिफिट हम आज कंप्यूटर के ले रहे हैं, लाइक सोशल मीडिया, लाइक इन बैंकिंग, इन ऑनलाइन शॉपिंग एंड मैनी मोर, हम कहीं ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये सब कुछ सभी पॉसिबल हो पाया जब हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क अवेलेबल है। तो व्हाट्स द कंप्यूटर नेटवर्क इज बेसिकली, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द डायग्राम फर्स्ट, देन विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। विल टेक ए लुक ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क लेटर ऑन। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आप नोटिस करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क किसको कहेंगे जिसमें हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। नॉट ओनली कंप्यूटर, बट कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस, लाइक यू कैन सी इन दैट डायग्राम प्रिंटर्स, हियर इज ऑल्सो ए मोबाइल विच वी कैन ऑल्सो कनेक्ट विद द नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर, wireless devices, other wireless devices also. And in this diagram you can see here the internet also, means internet is also the example of network. जब हम internet के साथ अपना एक standalone PC या अपना mobile connect करते हैं तो वो भी एक network का हिस्सा, उस बड़े network का हिस्सा बन जाते हैं। इसकी detail study में हम आएंगे, but before that let us start with the definition. In computer network, group of computer or computer like devices connected together to share the network resources like files, data, software, printer and network services etc. So computer network basically hai kya, when two or more computer or computing devices or computer like devices connected each other to share the information or resources. Now the what is resources? Resources are the various devices like printer, scanner, or the internet connection, or the files, or maybe other connected devices जिनको हम आपस में share कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे example लेते हैं, एक organization है, उस organizations में, या एक हम और छोटा example ले लेते हैं, जैसे आपकी कंप्यूटर लैब आपने नोटिस किया होगा, उसमें 8-10 कंप्यूटर होते हैं और वहां पर एक प्रिंटर इंस्टॉल होता है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि सभी कंप्यूटर से प्रिंटिंग की फैसिलिटी हो, तो हमारे पास एक मेथड है कि हम जितने कंप्यूटर हमारी लैब में हैं उन सभी के लिए इंडिविजुअल प्रिंटर अटैच करें ताकि उनमें प्रिंटिंग की फैसिलिटी हो। और दूसरा मेथड है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में हम वायर के थ्रू या वायरलेस मीडिया के थ्रू डाटा ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, यानी कि वायर या वायरलेसली उन कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और किसी एक कंप्यूटर के साथ हम प्रिंटर अटैच करेंगे और बाकी के सारे कंप्यूटर उसी कंप्यूटर के थ्रू
प्रिंटर्स को कमांड पास कर सकते हैं। अब यहां क्या हुआ, प्रिंटर एक रिसोर्स है और उस रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं सारे के सारे कंप्यूटर। तो आप यहां नोटिस करेंगे कि केवल प्रिंटर ही नहीं, वो कंप्यूटर जो वायर के थ्रू या बिना वायर के वायरलेसली वायरलेस मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर दिए आपने, वो कंप्यूटर आपस में डाटा भी शेयर कर सकते हैं, फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं, स्टोरेज भी शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर भी शेयर कर सकते हैं। तो दीज आर द रिसोर्सेज, प्रिंटर, स्कैनर एंड ऑल दिस। और इसके अलावा भी हम इसके और सारे बहुत सारे एडवांटेज या बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्या क्या हमें इसके फायदे होते हैं, इसके बारे में हम यहां डिस्कस करेंगे। सुनो, हम इसी बात पे आते हैं कि हमारे कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिसोर्सेज की, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। हमारे पास कंप्यूटर के साथ और बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारे रिसोर्सेज हमें जरूरत होती है, तो एक तरीका होता है कि हम उन रिसोर्सेज को हर इंडिविजुअल कंप्यूटर के साथ लगाएं, और दूसरा तरीका है उन रिसोर्सेज को किसी एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें और बाकी के कंप्यूटर को उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, सभी के लिए उनकी फैसिलिटी दें। नेटवर्क प्रोवाइड अस द एबिलिटी टू शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम, फैक्स मशीन एंड एक्सेट्रा। नॉट इवन हार्डवेयर रिसोर्सेज, वी कैन शेयर द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज लाइक एप्लीकेशन प्रोग्राम हेयर विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क। सेकेंड मेजर बेनिफिट इज हेयर ऑफ नेटवर्क, दैट इज कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेशन। नेटवर्क प्रोवाइड कम्युनिकेशन अमंग द यूजर ऑन द नेटवर्क। तो आज के समय में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे सोशल मीडिया में या हम इंटरनेट चला रहे हैं या हम अपने स्कूल कॉलेजेस में जो कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड होते हैं उनमें आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, या ये कहें कि आज की जो सोशल मीडिया है या आज की जो कम्युनिकेशन की रेवोल्यूशन है वो इसी नेटवर्क की वजह से पॉसिबल हो पाई है। नाउ द नेक्स्ट बेनिफिट इज हियर, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। नेटवर्क हेल्प अस टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ आवर एप्लीकेशंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क अमंग द कंप्यूटर्स। हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस इतनी हैवी होती हैं या उन पर इतना वर्कलोड होता है कि वो एक सिंगल प्रोसेसर, सिंगल कंप्यूटर को प्रॉपरली चलाना पॉसिबल नहीं होता है, हो पाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए नेटवर्क यहां पर मेजर रोल प्ले करता है। किस तरीके से, वो जो कंप्यूटर, किसी एक कंप्यूटर का टास्क था, उस एप्लीकेशन का जो टास्क है वो मल्टीपल कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और अब मल्टीपल प्रोसेसर जो हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स में इंस्टॉल्ड है वो मिलकर उस टास्क को करते हैं जो शायद एक अकेले के लिए उसकी परफॉर्मेंस रो करता। तो यानी कि हमारे पास ऐसे एप्लीकेशन जिनमें प्रोसेसर हाई कैपेसिटी का चाहिए, यह रखिए कि जिसके लिए हमारे पास टास्क को कंप्लीट करने के लिए किसी एक कंप्यूटर में कर पाना पॉसिबल ना हो, उसको हम मल्टीपल कंप्यूटर में टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करके हम उसकी स्मूथ रनिंग करवा सकते हैं। अनदर बेनिफिट इज हियर, कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट, जब हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं अमंग मल्टीपल यूजर, डेफिनेटली हमारे को कॉस्ट बेनिफिट मिलता है। किस तरीके से, अज्यूम कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कीजिए हर एक रूम में 30-40 कंप्यूटर यूजर बैठे हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं,
और इसी तरीके से उसमें डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर 20, 30, 40 कंप्यूटर्स लगे हैं। अब नेचुरली उन कंप्यूटर्स पर जो यूजर बैठे हैं उनको प्रिंटर भी चाहिए, उनको स्कैनर भी चाहिए, उनको इंटरनेट भी चाहिए, उनको स्टोरेज भी चाहिए, एंड देयर मे बी अदर डिवाइसेस व्हिच दे आल्सो रिक्वायर। तो वन मेथड इज हियर कि इंडिविजुअली एक एक को वो रिसोर्सेज परचेज किया जाए, वो प्रिंटर परचेज किया जाए, वो सीडी रोम्स परचेज की जाए, या वो स्कैनर्स परचेज किया जाए, या अदर डिवाइसेज व्हिच दे रिक्वायर उनको परचेज किया जाए। इंस्टेड ऑफ दैट यहां नेटवर्क एस्टैब्लिश करके एक एक फ्लोर में हर एक के लिए रिसोर्सेज वहीं रखे जाएं और सभी उन रिसोर्सेज को, कॉमन रिसोर्सेज को यूज करें, जिससे कि हमें इंडिविजुअली उन रिसोर्सेज को परचेज करने की कॉस्ट बच जाती है और भी हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लाइक एज कंप्यूटर की मेंटेनेंस, कंट्रोलिंग करनी, एडमिनिस्ट्रेशन करना, वो काफी सिंप्लीफाई हो जाता है। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन कॉस्ट और उनके रिलेटेड परचेज करने की कॉस्ट, वो भी हमारे पास यहाँ रिड्यूस होती है कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से। तो कॉस्ट फैक्टर भी एक मेजर रोल करता है। जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो तो वहां पर हमें इसका बेनिफिट मिलता है। अनदर पॉइंट इज हियर रिलायबिलिटी। इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर द डाटा कैन बी रिस्टोर्ड फ्रॉम अनदर सिस्टम ऑन द नेटवर्क। एज वी नो, अगर हम कंपेयर करें स्टैंड अलोन कंप्यूटर से नेटवर्क पर जो कंप्यूटर है उनको, तो सपोज कीजिए एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर हमारा खराब हो जाता है, डेफिनेटली देर इज ए 100% चांसेस कि वो डाटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा इन केस हमने बैकअप नहीं रखा है। बट हियर ऑन द कंप्यूटर विच आर ऑन द नेटवर्क, यहां पर एक मैकेनिज्म हमेशा अडॉप्ट किया जाता है कि नेटवर्क पर जो कंप्यूटर्स होते हैं उनका मोस्टली डाटा जो है एक सेंट्रल स्टोरेज में स्टोर होता है और साइमल्टेनियसली पैरेलल वही डाटा किसी दूसरी डिफरेंट लोकेशन पर भी स्टोर हो रहा होता है। तो इन दैट केस, इन केस आपका वो कंप्यूटर जिसमें डाटा स्टोर हो रहा है, इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है, अगर वो क्रैश होता है, डैमेज होता है, रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो आपका डाटा जो साइमल्टेनियसली बैकअप कर रहा है वहां से आप डाटा को रिकवर कर सकते हैं और अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क पर मान लीजिए एक सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो आप किसी दूसरे सिस्टम से अपनी वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मींस रिलायबिलिटी। अनदर पॉइंट इज हियर फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरमेंट। व्हाट इज इट? फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरमेंट मींस आप अगर अपना कंप्यूटर्स नेटवर्क के साथ जोड़ लेते हैं तो इट मींस योर वर्क और यू अवेलेबल एवरीवेयर। लाइक इन व्हाट वे? सपोज यू हैव द स्टैंडर्ड ऑन पीसी इन योर ऑफिस, देन व्हेन यू हैव टू डू द टास्क, व्हेन यू हैव टू डू द वर्क, यू हैव टू सिट इन ऑफिस एंड नन अदर सॉल्यूशन इज हियर। पर अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा है, लाइक इंटरनेट से जुड़ा है, और आप जो अपना वर्क है वो आप घर से भी कर पाएंगे, ऑफिस से भी कर पाएंगे, और अगर आप ऑन द गो है, सफर में है, तो भी आप काम कर पाएंगे। आप अपने ऑफिस के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में किसी भी फ्लोर पे हो, अगर आपके कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो आप कहीं भी बैठे हैं, अपने ऑफिस में कहीं भी बैठे, किसी भी स्टोरी पे बैठे हैं, आप अपना लॉगिन डालिए और अपने किसी भी कंप्यूटर पर अपना वर्क जो है वो कर सकते हैं। तो दैट इज द फ्रीडम वी गेट फ्रॉम द नेटवर्क। देयर इज अ लॉट ऑफ अदर एडवांटेज ऑल्सो, लॉट ऑफ अदर फ्रीडम्स ऑल्सो, लॉट ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल नाउडेज विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक कि आज जो हम सोशल मीडिया का बेनिफिट ले रहे हैं, आज जो हम बैंकिंग सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी का बेनिफिट ले रहे हैं, आज जो हम ऑनलाइन शॉपिंग का बेनिफिट ले रहे हैं, आज जो हम ऑनलाइन रिजर्वेशन का सिस्टम का बेनिफिट ले रहे हैं, और जो भी हमारे को आज फ्रीडम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से लाइफ में मिली है,
वो तभी पॉसिबल हो पाई है जब हमारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी कि जब हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कर रहे हैं। तो क्या इसके सिर्फ बेनिफिट ही है? नहीं, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क को सही तरीके से ना इस्तेमाल करें तो हमारे को कुछ एक डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ड्रॉबैक्स हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेट अस सी द ड्रॉबैक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हियर। द फर्स्ट वन इज डेटा सिक्योरिटी कंसर्न, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर नेटवर्क। इफ वी निग्लेक्ट द सिक्योरिटी कंसर्न, मीन्स ए पुअरली सिक्योर्ड नेटवर्क पुट्स क्रिटिकल डाटा एट रिस्क। यानी कि जब हम नेटवर्क पर डाटा डालते हैं तो वो रिस्की हो जाता है। उसके लिए हमें डाटा में प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर पासवर्ड, प्रॉपर इंक्रिप्शन इंप्लीमेंट करना होगा, और उसको ध्यान में रखते हुए कि नेटवर्क पर हमारा डाटा जो है वो रिस्की है, तो हमें उसकी सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म अडॉप्ट करने पड़ते हैं, अदरवाइज वी हैव टू फेस द डिफिकल्टीज। द सेकेंड पॉइंट इज हियर मींस द ड्रॉबैक विच वी हैव टू फेस सम टाइम व्हेन वी हैव द स्मॉल नेटवर्क, नेटवर्क हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉस्ट। नेचुरली जब हम कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे तो हमारे पास उसके लिए कोई ना कोई कॉस्ट जरूर जुड़ी है। तो एक नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो अगर हमारा नेटवर्क छोटा है तो हमें हो सकता है या सम टाइम हमारे को उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ जाती है, बट एट लास्ट के जब हम एक बड़े नेटवर्क की बात करें, जब हम उन फैसिलिटीज को देखें जो हम उससे एडवांटेज लेते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, तो ओवरऑल एट लास्ट एक बड़े नेटवर्क में हम इसके बहुत सारे बेनिफिट लेते हैं। तो हमारी जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है वो ओवरकम हो जाती है। तो ये हमारे लिए नो डाउट एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, बट विद द इफ यू कंपेयर विद द बेनिफिट देन अगेन इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल टू अस। नाउ द थर्ड पॉइंट इज हियर, थर्ड ड्रॉबैक इज हियर, थ्रेट ऑफ वायरस। वायरस कैन इजिली स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर ओवर नेटवर्क। आज हम सभी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि इंटरनेट से या नेटवर्क से वायरसेस आने का काफी ज्यादा डर रहता है, और उसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है तो एक कंप्यूटर से दूसरे को वायरस स्प्रेड होता है। और अगर हम बात करें स्पेशली इंटरनेट की तो वहां से तो वायरसेस अगर आप ये कहें कि ट्रस्टेड साइट के अलावा अगर हम कोई और साइट्स ओपन करेंगे तो डेफिनेटली हमें वायरसेस का डर रहता है। तो इंटरनेट पर क्योंकि कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह को वायरस स्प्रेड होने के चांसेस बने रहते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि हम प्रॉपर एंटीवायरस रखें, प्रॉपर फायरवॉल्स हों, तो इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम किया जा सकता है। द फोर्थ पॉइंट इज illegal use, that is also the major problem nowadays we are facing, that is network brings certain problems like piracy and illegal use of computer resources. Piracy, jaise aap aware honge hi, aaj network par internet par movies, songs or softwares, all these are available to download, copy to use, hum usko copy kar lete hain, बहुत सारे लोग कॉपी कर लेते हैं और फिर उसको यूज करते हैं, तो दैट इज टोटली अ पायरेसी जिसका बढ़ावा हमें इसी कंप्यूटर नेटवर्क की बदौलत मिला है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है नेट पे और इजीली डाउनलोडेबल है और हम उसको यूज करते हैं, दैट इज इलीगल। अनदर प्रॉब्लम दैट इज इलीगल यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेस। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ एक
रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज को कैसे मेनली यूज किया जाता है। कंप्यूटर पर नेटवर्क में या इंटरनेट पर हैकर जो हैं वो हमें पता भी नहीं लगता और वो हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज यानी कि प्रोसेसर रैम को यूज कर रहे होते हैं, हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं अपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम्स है। अगेन इन ड्रॉबैक्स से बचने के लिए हमारे पास यही है कि इसके लिए प्रोटेक्शन मैकेनिज्म विच यू नीड टू अडॉप्ट है। तो ये तो थे कुछ ड्रॉबैक्स जो हमारे इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क से साथ जुड़े हैं। अब नेटवर्क को कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अमंग दैट हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं किस तरीके से, या वायरलेस मीडिया के थ्रू या वायर के थ्रू। तो यानी कि एक जगह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा ट्रांसमिट करने के लिए हमें एक ट्रांसमिशन मीडिया की जरूरत होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज हियर ट्रांसमिशन मीडिया, ए पाथवे दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, सेंडर से रिसीवर की तरफ को डाटा ट्रांसमिशन के लिए हमें ट्रांसमिशन मीडिया की जरूरत होती है। और डाटा ट्रांसमिशन के लिए जो हमारे पास डिफरेंट मीडिया है वहां पर दो तरीकों से डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। डाटा इज ट्रांसमिटेड नॉर्मली थ्रू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में डाटा ट्रांसमिशन करंट के द्वारा होती है। एंड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इज अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पल्सेस एट वेरियस फ्रीक्वेंसीज। तो एक तरीका है इलेक्ट्रिक सिग्नल जिसमें करंट के थ्रू डाटा ट्रांसमिट किया जाता है, और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जिसमें एनर्जी पल्सेस के थ्रू वेरियस फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी पल्सेस ट्रांसमिट की जाती है और डाटा आपका ट्रांसमिट होता है। इसके लिए जो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया यूज किए जाते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया है, एक है हमारे पास गाइडेड और दूसरा है अनगाइडेड मीडिया। यह रख ले कि गाइडेड मीडिया अगर हम एक साधारण भाषा में बात करें तो जहां पर वायर के थ्रू डाटा ट्रांसमिट किया जाता है, अनगाइडेड जहां पर वायरलेस ट्रांसमिशन होती है। यहां गाइडेड मीडिया में हमारे पास है कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल, ट्विस्टेड, और दूसरी तरफ अनगाइडेड मीडिया में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड मैनी मोर अदर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं की डिटेल्ड स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। आज के लिए इतना ही। नाउ द असाइनमेंट फॉर यू, द फर्स्ट वन इज व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, सेकेंड इज एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, एंड द लास्ट वन इज राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।